0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है, आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के निवाड़ी में आस्था के नाम पर लोगों से मजा किया गया, लेकिन ग्रामीण इसे सच मान बैठे जो कोरोना को बिल्कुल भूल गए और पैदल ही चल पड़े अछरू माता मंदिर। और कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, शायद तस्वीरें देखकर आप समझ ही जाएंगे। हालांकि इन्हें भड़काने वाले बल्लू यादव पर मामला दर्ज हो गया है। वीडियो सामने आए तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। दरअसल ग्रामीण कोरोना से मुक्ति पाने के लिए मीलों पैदल चलकर पृथ्वीपुर के मड़िया गांव स्थित देवी अछरू माता के दरबार में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचे। इन सभी की आस्था है कि अछरू माता देवी कोरोना से मुक्ति दिलाएंगी। लोग सड़क पर लेटकर देवी माता के जयकारे लगाते माता के मंदिर के दरबार में पहुंचे, लेकिन गेट बंद होने पर वो गेट पर ही जल चढ़ाकर वापस लौट आए। भीड़ को देख पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। काय के लिए जल चढ़ाने तो मंदिर तो बंद है भैया, ऐसे में शांति की वजह से, शांति हर तरह से शांति एक महीना से डाल रहा है। हम लोग जगदम्बा नो जाएंगे, वहाँ से शांति रहेगी। क्या नाम है दादा? धनीराम। कहाँ से आए आप लोग? भेलवाड़ा। कहाँ जा रहे हैं अभी? अछू माता। किसके लिए? जो जी अभियान फैला है कोरोना वगैरह, वो इसे गिनती के लिए जा रहे हैं। मैं जानू तो दादा मंदिर तो बंद है, ऐसे में कहाँ ना बैठे ना, कैसे अपने परिक्रमा लगा भजन पूजन का यहाँ बस, उससे कोरोना भाग जाएगा। अरे बहुत ही शांति है, बहुत शांति है, बहुत शांति है साहब हमारे। 8 बजे तो मंदिर पे है। अच्छा। वहीं निवाड़ी एसपी आलोक कुमार सिंह के निर्देश पर पृथ्वीपुर के गैलवारा गांव के बल्लू यादव पर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। अचानक अछरू माता मंदिर पृथ्वीपुर में कुछ महिलाएं जल चढ़ाने के लिए आ गई, जिसको तत्काल इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी और SDOP और समस्त प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचा, उनको समझा के उनको वापस किया। इस दौरान पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उनको वहाँ पर मंदिर पर ले गए थे, उस व्यक्ति द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कराया गया है, उनके विरुद्ध पृथक से अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। वहीं SDOP संतोष पटेल ने भी जानकारी दी। ये सुबह हमें सूचना मिली कि कुछ महिलाएं देवी के यहाँ जल चढ़ाने जा रही हैं, वो भी एक जत्थे के रूप में भीड़ में थी, 70-80 महिलाएं। तो हमारी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी वे नहीं रुकी। तब पता चला कि इन महिलाओं को दुष्प्रेरित करने वाला एक व्यक्ति था, कल्लू यादव, जो कि गैलवारा का रहने वाला था, जिसके खिलाफ वहाँ के सचिव ने लिखित में आवेदन दिया और आज FIR की गई है, जिस और उसे जमानत मुचलके पे छोड़ा गया है। आगे विवेचना जारी है और कोर्ट में बहुत जल्दी चालान पेश किया जाएगा। सागर टीवी न्यूज के लिए निवाड़ी से सुधीर मवई की रिपोर्ट। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, MI, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, एयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है, आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।